हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। सबसे पहले बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के छात्र, जितने भी आप न्यू भर्ती का वेट कर रहे थे तो उसको लेके भी मैं अपडेट बताने वाला हूँ कि आपकी जो एसएससी जीडी की है न्यू वैकेंसी का अपडेट जारी होने वाला है बहुत जल्द। और वहीं बात करूँ कि एसएससी जीडी जो आपका रिज़ल्ट है उसके आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो जितने भी छात्र परेशान हो रहे थे कि आपके जो एसएससी जीडी है उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको लेके भी मैं आपको ऑफिशियली अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी जीडी के रिज़ल्ट को लेके। आखिरकार रिज़ल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही। तो आप सभी को पता है इलेक्शन के वजह से ये देरी का हवाला दिया जा रहा है कि इलेक्शन के वजह से जो आपका एसएससी जीडी का रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिले हो गया है। तो वहीं बात करें जो एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आपका, जब एसएससी जीडी की आंसर की जारी होती है तो ठीक उसके एक महीने बाद आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली जो एसएससी की साइट है उस पर जारी कर दिया जाता है। बट अभी जो अपडेट आ रही है निकल के लेटेस्ट, जो कि एसएससी जीडी के रिज़ल्ट को लेके है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको एसएससी जीडी का रिज़ल्ट बताया जा रहा है कब तक जारी होगा, तो आप देख लीजिए, वो आपको जून में देखने के लिए मिलेगा एसएससी जीडी का रिज़ल्ट। और साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट एसएससी जीडी के छात्रों के लिए कि एसएससी जीडी की आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वो कि आपकी जो वैकेंसी है ये अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मैं कन्फर्मली बता दे रहा हूँ कि अक्टूबर नवम्बर में भर्ती आने वाली है बड़ी, जो कि एसएससी जीडी वाले छात्रों की है। तो जितने भी छात्र इस वैकेंसी में मिस हो जाए रिज़ल्ट आने के बाद, जिन छात्रों का सिलेक्शन ना हो तो वो दुखी ना हो, तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिएगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है इस बार जल्द देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।